Assalamu alaikum. Myself Naseem Unisa Begum, Junior Lecturers in Economic, GJC Kachigura. Telangana State Board of Intermediate ki janib se ye digital class mein aap tamam tulba aur talibat ka istiqbal hai. Chaliye aaj hum unit 2 mein se second lesson mein se hum start karne wale hain theory of consumer behavior yani sarif ke tarz-e-amal ke nazariyat. To isme se hum आज हमारा टॉपिक शुरू करने वाले हैं सेकेंड लेसन में. तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर चंद ये इसके इससे ताल्लुक हम जो है तो एक मतलब चंद बेसिक को देखेंगे सबसे पहले. यानी देखिए सबसे पहले मतलब इंसान यानी जो इंसान जो है तो अपनी जरूरियात के लिए यानी अपनी एहतियाजात को पूरा करने के लिए अशिया और खिदमात की खरीदारी करता है जिसमें इफादा पैदा होता है. ठीक है, जिसमें इफादा पैदा होता है. तो देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले जो है तो यहाँ पर चंद बेसिक को देखेंगे जो क्या करता है. यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं आज का टॉपिक सारिफ के तर्ज अमल के जो नजरियात है तो उसका मुतायला हम जो है तो आज ये टॉपिक में यानी ये लेसन में हम करेंगे. तो सबसे पहले देखिए ये जो मतलब ये टॉपिक से जो रिलेटेड जो बेसिक है सबसे पहले हम उसको देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इफादा किसको कहें, इफादा क्या है, यूटिलिटी. तो इफादे का मतलब अशिया और खिदमात में पाए जाने वाली वो सलाहियत जो इंसान की ख्वाहिशात को इंसान की जरूरियात को पूरा करती है इफादा कहलाती है. ठीक है, इफादे का मतलब क्या बोले हम, अशिया और खिदमात में पाए जाने वाली वो सलाहियत जो इंसान की जरूरियात को या इंसान की एहतियाजात को या इंसान की ख्वाहिशात को पूरा करती है इफादा कहलाती है. मिसाल के तौर पर देखिए ये पेन है. ठीक है, तो ये हमारे लिखने यहाँ पर ये क्या कर रहा है, हमारे लिखने की जरूरत को पूरा कर रहा है. ठीक है, तो ये क्या है, शेर में पाया जाने वाला इफादा. उसी तरह जिसे मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ तो आपके पढ़ने की जरूरत को मैं पूरा कर रही हूँ, तो मैं अपनी खिदमत जो है तो आपको फ्राहम कर रही हूँ, तो ये क्या है, इफादा है. तो अशिया और खिदमत में पाए जाने वाली वो सलाहियत जो इंसान की जरूरियात को पूरा करती है हम उसको इफादा कहेंगे, यूटिलिटी. ठीक है, चलिए अब आपको तो मालूम हो गया कि इफादा क्या है. नेक्स्ट देखेंगे कॉर्डिनल इफादा. कॉर्डिनल इफादा क्या है, इफादा तो मालूम हो गया आपको किसको कहेंगे, अब इसमें क्या है, कॉर्डिनल है. तो कॉर्डिनल इफादे के तरीके के मुताबिक इफादे की पैमाइश हिसाबी हिंसों में की जा सकती है. कॉर्डिनल इफादे के तरीके के मुताबिक इफादे की पैमाइश हिसाबी हिंसों में की जा सकती है. जैसे एक, दो, तीन, चार वगैरह. ठीक है, वगैरह में की जा सकती है. यानी हम कोई शय का इस्तेमाल करें, कोई अशिया का इस्तेमाल करें तो उससे हमको कितना इफादा हासिल हुआ उसको किस में बता सकते हैं, बोले यहाँ पर हिसाबी हिंसों में. यानी इस तरह से एक, दो, तीन, चार में हम उसको बता सकते हैं, उसकी पैमाइश कर सकते हैं और उसका तकाबुल भी कर सकते हैं. और इस तस्वुर को पेश करने वाले अल्फ्रेड मार्शल. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कॉर्डिनल इफादा क्या है, यानी अशिया. कॉर्डिनल इफादे के तरीके के मुताबिक अशिया और खिदमात से हासिल होने वाले इफादे की पैमाइश हिसाबी हिंसों में यानी यूटिल्स में की जा सकती है, जैसे एक, दो, तीन, चार वगैरह में. और इसे यूटिल्स में भी जाहिर किया जा सकता है, इसका तकाबुल किया जा सकता है. और इस तस्वुर को पेश करने वाले अल्फ्रेड मार्शल है. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डिनल इफादा. ठीक है, ऑर्डिनल इफादे के तरीके के मुताबिक इफादे की पैमाइश हिसाबी हिंसों में नहीं की जा सकती, हिसाबी हिंसों में नहीं की जा सकती. जैसे यहां पर कॉर्डिनल इफादे में क्या है, हम किसी शय का इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर एक सेब का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमको उससे कितना इफादा हासिल हुआ उसकी पैमाइश इस तरह से हिसाबी हिंसों में की जा सकती है बोल रहे. लेकिन ऑर्डिनल इफादे के तरीके के मुताबिक इफादे की पैमाइश हिसाबी हिंसों में नहीं की जा सकती है, लेकिन दर्जों में, जैसे पहला, दूसरा,
तीसरा वगैरह में की जा सकती है, लेकिन इसको क्या है दर्जों में बता सकते हैं, जैसे फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड वन। तो इस तरह से पहला, दूसरा और तीसरा वगैरह में की जा सकती है, और इस तस्वुर को हिग्स और एलिन ने तरक्की दी। ठीक है, ऑर्डिनल इफादे में क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर इफादे की पैपाइश हिसाबी हिंसों में नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये एक एहसासी तस्वुर है, लेकिन इफादे का तखावुल दर्जों में जैसे पहला, दूसरा, तीसरा वगैरह में कर सकते हैं, और इस तस्वुर को पेश करने वाले हिग्स और एलिन। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं जुमला इफादा। ठीक है, इफादा तो आपको मालूम है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जुमला इफादा है। तो जुमला मतलब यहाँ पर कुल के मायने क्या है, देखिए यहाँ पर जुमला इफादे का मतलब शय की कुल इकाइयों के इस्तेमाल से, शय की कुल इकाइयों के इस्तेमाल से किसी शख्स को हासिल होने वाला इफादा जुमला इफादा कहलाता है। ठीक है, शय की कुल इकाइयां, मिसाल के तौर पर देखिए शय की एक इकाई है, ठीक है, शय की एक इकाई से जो जुमला इफादा है 40 है। ठीक है, शय की पहली इकाई से जो इफादा हासिल हुआ 40 है, तो दूसरी और एक में मजीद और एक इकाई का इस्तेमाल करे तो उससे इफादा कितना हुआ यहाँ पर 70 है। तो ये मैं दो इकाइयों का इस्तेमाल करी तो दो इकाइयों से जो इफादा हासिल हुआ हम इसको जमा करेंगे, कितना हो गया यहाँ पर 110। तो ये हमारा क्या होगा, जुमला इफादा कहलाएगा, यानी शय की इकाइयां। अगर मिसाल के तौर पर आप शय की इकाइयां एक से लेके पांच तक इस्तेमाल कर रहे हैं, छह है या दस है, तो वो तमाम इकाइयों को मिलाकर जो हमको इफादा हासिल होगा वो क्या कहलाएगा, जुमला इफादा कहलाएगा। अगर आप एक शय का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक शय को सर्व कर रहे हैं, तो उससे आपको कितना इफादा हासिल होगा वो क्या कहलाएगा, जुमला इफादा कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में नेक्स्ट है हाशिए इफादा। हाशी इफादा देखिए, यानी शय की मजीद एक इकाई के इस्तेमाल से, शय की मजीद एक इकाई के इस्तेमाल से जुमला इफादे में होने वाले इजाफे को हाशिए इफादा कहेंगे। ठीक है, यानी शय की मजीद एक इकाई, जैसे मिसाल के तौर पर शय की एक इकाई है, तो शय की एक इकाई पर जुमला इफादा हमको 40 हासिल हुआ, तो शय की मजीद हम और एक इकाई का इस्तेमाल करें उससे हमको इफादा कितना हुआ, 70 हासिल हुआ। तो हम देखिए जब 70 - 40 करेंगे तो हमको यहाँ पर कितना इफादा हासिल हो रहा है, यहाँ पर 30 यानी 30। तो 30 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाशिए इफादा है, यानी शय की मजीद एक इकाई का इस्तेमाल करने से, शय का मजीद एक इकाई का इस्तेमाल करने से जुमला इफादे में होने वाले इजाफे को हाशिए इफादा कहेंगे, यानी कितना इफादा यहाँ पर जायद हासिल हुआ, 30। तो ये क्या रहेगा, हमारा हाशिए इफादा रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा चंद बेसिक है, जैसे हम अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं कानून तकलील हाशिए इफादा, तो इसमें हमको ये तमाम की जरूरत पड़ेगी, मतलब इसको समझने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये बहुत अहम भी है, और ये भी जो आपको कॉर्डिनल ऑर्डिनल जुमला इफादा हाशिए इफादा ये आपको 2-2 मार्क्स में भी कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लिए कि इफादा किसको कहते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं कानून तकलील हाशिए इफादा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए यहाँ पर लॉ का मतलब, यहाँ पर डिमिनिशिंग का मतलब है यहाँ पर घटना। ठीक है, यानी कम होना, जैसे जैसे हम शय की इकाई में इजाफा करते जाएंगे तो उससे जो हमको इफादा हासिल हो रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर कम होना है। मार्जिनल यूटिलिटी के मायने तो हम अभी यहाँ पर हाशिए इफादा यानी किसको कहते हैं हम देख लिए। तो जैसे यानी शय की मजीद इकाई के इस्तेमाल से जुमला इफादे में जो इजाफा हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, हाशिए इफादा कहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कानून तकलील हाशिए इफादा। ठीक है, तो कानून तकलील हाशिए इफादा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कानून तकलील हाशिए इफादे को सबसे पहले H.H. गौसन ने, ठीक है, H.H. गौसन ने 1854 में पेश किया। कानून तकलील हाशिए इफादे को सबसे पहले H.H. गौसन ने 1854 में पेश किया, लेकिन अल्फ्रेड मार्शल ने इस कानून को शोहरत दी और साइंटिफिक अंदाज में इसका तज्जिया किया। तो ये है इस कानून को, यानी कानून तकलील हाशिए इफादे को
पेश करने वाले जो है माहरीन मार्शिद हम उसको बताए हैं। तो 1854 में H.H. गौसन ने कानून तकलील हाशिए फायदे को पेश किया, लेकिन मजीद यहाँ पर साइंटिफिक अंदाज में अल्फ्रेड मार्शल ने इसको पेश किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये कानून तकलील हाशिए इफादे की हम तारीफें देखेंगे। तो कानून तकलील हाशिए इफादे की तारीफें मुख्तलिफ माहरीन ने माशियत ने मुख्तलिफ अंदाज में की है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं अल्फ्रेड मार्शल की तारीफ। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक मौजूदा शय के जखीरे में मजीद इजाफे से हासिल होने वाला इफादा घटते जाता, यानी पहले से हमारे पास शय का जखीरा मौजूद है तो हम उसमें मजीद और इजाफा करते जाएंगे तो उससे हासिल होने वाला जायद इफादा क्या होते जाएगा, यहाँ पर घटते जाएगा यानी कम होते जाएगा। ठीक है, कम होते जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, अगर कोई मिठाई का शौकीन है तो हम उसको एक टुकड़ा मिठाई का दे दिए, मजीद और एक दिए और एक दिए, तो मतलब उसकी जो तसफी जो सेटिस्फेक्शन का जो लेवल था वो क्या है, फुलफिल हो गया वो। ठीक है, मजीद और इजाफा मजीद देते जाएंगे तो उसको उससे कुछ इफादा हासिल होगा, कोई इफादा नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे जैसे हम शय की इकाइयों में इजाफा करते जाएंगे तो उससे हासिल होने वाला जायद इफादा या हाशे इफादा क्या होते जाएगा, यहाँ पर घटते जाएगा यानी कम होते जाएगा। जैसे जैसे हम शय की इकाइयों को बढ़ाते जाएंगे तो उससे हासिल होने वाला इफादा क्या होते जाएगा, यहाँ पर घटते जाएगा। तो ये तारीफ पेश करने वाले अल्फ्रेड मार्शल। अब हम देखते हैं के ई बोल्डिंग की तारीफ। के ई बोल्डिंग के मुताबिक जब कोई सारिफ दिगर तमाम अशिया के सर को मुस्तकिल रखते हुए किसी एक शय की इकाई में इजाफा करता है तो उससे हासिल होने वाला जायद इफादा या हाशिए इफादा घटते जाता है। ठीक है, केई बोल्डिंग के मुताबिक क्या है, यानी दिगर तमाम अशिया के सर्फ को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मुस्तकिल रख दे रहे, उसमें किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पर देखिए, यहाँ पर माउस है, संतरा है, ठीक है, और सेब है। तो मौज और संतरे की यहाँ पर मौजूदा ये जो जखीरा है मौज और संतरे का, उसको यहाँ पर मुस्तकिल रख दे रहे, कांस्टेंट रख दे रहे, उसमें किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं कर रहे, सिर्फ यहाँ पर सेब की इकाइयों में इजाफा करते जा रहे। तो उससे जो हासिल होने वाला इफादा है वो क्या होते जाएगा, यहाँ पर घटते जाएगा अकॉर्डिंग टू के ई बोल्डिंग। ओके ना, के ई बोल्डिंग के मुताबिक। नेक्स्ट है कानून का बयान। ठीक है, ये जो है हमको तारीफें बताए हैं कि कानून तकलील हाशिए इफादे को, यानी सबसे यानी क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे अल्फ्रेड मार्शल या के ई बोल्डिंग के मुताबिक, यानी कि दोनों का भी कहना यही है कि जैसे जैसे हम शय की इकाइयों में इजाफा करेंगे तो उससे हासिल होने वाला जायद इफादा या हाशिए इफादा क्या होते जाएगा, यहाँ पर यकीनी तौर पर घटते जाएगा। नेक्स्ट है कानून का बयान। देखिए कानून, ये जो कानून है यानी कानून तकलील हाशिए इफादा सारिफ के रवैये को वाजे करता है, यानी सारिफ का जो रवैया है उसको वाजे तौर पर बताता है। कानून तकलील सारिफ के रवैये को वाजे करता है। जब कोई सारिफ किसी मखसूस शय की इकाइयों में इजाफा करते जाता तो उससे हासिल होने वाला इफादा जायद इफादा या हाशिए इफादा हर एक इकाई के साथ क्या होते जाएगा, यहाँ पर घटते जाएंगे। ठीक है, घटते जाएगा, यानी क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये कानून तकलील हाशिए इफादे के मुताबिक ये जो कानून है सारिफ के रवैये को वाजे करता है। और जब सारिफ क्या कर रहा है, किसी मखसूस शय मतलब पर्टिकुलरली यहाँ पर बता रहे, अगर मिसाल के तौर पर सेब की इकाइयां हैं तो सेब की इकाइयों में इजाफा करते जाएंगे तो उससे हासिल होने वाला जायद इफादा या हाशिए इफादा यकीनी तौर पर घटते जाएगा। ठीक है, तो कानून तकलील हाशिए इफादा शय की मकदार और उससे हासिल होने वाले इफादे के दरमियान रिश्ते की वजाहत करता है। कानून तकलील हाशिए इफादा सर्फ की गई अशिया की मकदार और उससे कितना इफादा हासिल हो रहा है उसकी वजाहत करता है। ठीक है, आइए अब उसके बाद भी हम देखते हैं मफरूजात। देखिए मफरूजात यहाँ पर आपको ये तो समझ में आ गया क्या कानून का बयान किसको गया, यानी कानून के बयान में क्या बताए, कि यहाँ पर भी एक ही बात आपको बता रहे हैं, अगर सारिफ किसी मखसूस शय की इकाइयों में इजाफा करते जाएगा तो उससे हासिल होने वाला जायद इफादा या हाशिए इफादा क्या होते जाएगा,
घटते जाएगा, ठीक है। मास्टर शय मतलब यहाँ पर पर्टिकुलरली कोई एक शय को बता रहे हैं, मिसाल के तौर पर सेब है, तो सेब की इकाइयों में इजाफा करते जाएंगे तो उससे हासिल होने वाला इफादा क्या होता जाएगा, यहाँ पर घटते जाएगा। यानी कोई भी था, अगर कोई भूखा है उसको एक सेब दे दिए तो उसको जो जरूरत थी, जो नीड थी उसकी, वो क्या हो गए, फुलफिल हो गए। मजीद और एक देते जाएंगे तो उसको पहले के बामुकाबिल इफादा उतना हासिल नहीं होगा, तो वो क्या होता जाएगा, इफादा घटते जाएगा, ठीक है। तो आप देखते हैं हम यहाँ पर मफरूजात, देखिए मफरूजात ऐसे नुकात, ऐसे पॉइंट होते हैं, अगर हम इसमें किसी भी किस्म की तब्दीली करते हैं तो ये जो कानून तकलील हाशिए इफादा जो बताया गया है वो सही साबित नहीं होता है। तो मफरूजात में हम किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कानून तकलील हाशिए इफादे के मफरूजात क्या है, अजम्पशंस, ठीक है, अजम्पशंस ऑफ द लॉ। फर्स्ट वन है माकूलियत या माकूल पसंदी, यानी ये फर्ज किया जाता है कि सारी माकूल पसंद होता है, वो आजम तरीन तशफी हासिल करने की जस्तजू करता, यानी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको किस तरह से हासिल होगा उसके लिए यहां पर जस्तजू करेगा, ओके। नेक्स्ट है कॉर्डिनल इफादे की पैमाइश, कॉर्डिनल इफादे की पैमाइश, इफादे का तसव्वुर कॉर्डिनल है, कॉर्डिनल इफादे का जो तसव्वुर है वो क्या है, यहाँ पर कॉर्डिनल है, यानी इफादा काबिले पैमाइश है और हिसाबी हिस्सों में पेश कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर ही आपको बता दिए कि कॉर्डिनल इफादा किसको कह रहे हैं, यानी इफादा किसी शय का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे हमको कितना इफादा हासिल हो रहा है उसकी पैमाइश हम कॉर्डिनल आदात में यानी हिसाबी हिस्सों में कर सकते हैं, इस तरह से बता सकते हैं। तो इसका जो मफरूजा है यानी कानून तकलील हाशिए इफादा कॉर्डिनल इफादे के तरीकेकार पर मुबनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आज़र, तो इफादे का तसव्वुर कॉर्डिनल है और इफादा काबिले पैमाइश है और उसको हिसाबी हिस्सों में पेश कर सकते हैं यानी बता सकते हैं। नेक्स्ट है आजाद इफादा, ये फर्ज किया जाता है कि किसी शय का इफादा उसकी अपनी मकदार पर मुनहसर होता है, यानी ये फर्ज किया जाता है किसी शय का इफादा उसकी अपनी मकदार पर मुनहसर होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक सेक का इस्तेमाल करें क्वांटिटी एक लिए तो उससे आपको कितना इफादा हासिल होगा वो उसकी मकदार पर डिपेंड होगा। उसकी तरह अगर शय की एक के बाद दिगर दूसरी इकाई का इस्तेमाल करें, दूसरा सेब का इस्तेमाल करें, तो आप शय की कितनी मकदार इस्तेमाल करेंगे इफादा जो है तो उस पर मुनहसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जरका मुस्तकिल हाशिए इफादा, देखिए जर का हर जर की इकाई का इफादा मुस्तकिल होता है, हर जर की इकाई का इफादा मुस्तकिल होता है, ओके। नेक्स्ट है शय की इकसानियत, तो इस कानून तकलील हाशिए इफादे के मुताबिक शय की तमाम इकाइयां दोनों मकदार और मियार के लिहाज से एक सा होनी चाहिए, ठीक है। दोनों शय की इकसानियत मतलब यहां पर क्या बता रहे हैं, शय की मकदार और मियार के लिहाज से और साइज के लिहाज से वो क्या होना है, एक होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे कानून तकलील हाशिए इफादे के मफरूजा, ओके। अब देखते हैं हम यहाँ पर कानून की तशरी, देखिए कानून की तशरी मुंदरजा मफरूजात के मफरूजात पर मुनासिर है। तो कानून तकलील हाशिए इफादे की जो तशरी जदवल और शक्ल के जरिए जो है तो इसकी तशरी की जा सकती है, ठीक है। जदवल और शक्ल के जरिए इस कानून की तशरी की जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए हमको जो बताना है शय की इकाइयों को बताना है, यानी इस कानून में क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आप शय की इकाइयों में इजाफा करते जाएंगे तो उससे हासिल होने वाला इफादा क्या होते जाएगा, हर एक शय की इकाई के साथ घटता जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर शय की इकाइयों को बताना है, हमारे को जुमला इफादा यानी टोटल यूटिलिटी को बताना है और हाशिए इफादा, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी को हमको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम जो लिए हैं शय की इकाइयां यूनिट्स ऑफ एक्स, तो आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, सेब या कुछ भी कोई भी एक चीज को ले सकते हैं, सेब की इकाइयां, सेब की इकाइयां हम एक से लेके छह तक यहाँ पर सेब की इकाइयां लिए हैं। तो जुमला इफादा हम जो स्टार्ट करें यहाँ पर
40, 70, 90, 100, 190. तो यहाँ पर हम पहले ही इसमें बता दिए गए हैं कि तारीफों में बताया गया है कि जैसे जैसे हम शय की इकाइयों में यानी किसी भी शय की इकाइयों में जब हम इजाफा करते जाएंगे तो उससे हासिल होने वाला इफादा क्या होते जाएगा, यहाँ पर हर एक शय की इकाई के साथ घटते जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई प्यासा है तो अगर उसको एक गिलास पानी दे दिए तो उसकी जो तशफी की जरूरत थी यानी तशफी हासिल होना था उसको उससे हासिल हो गई, उसकी जरूरत पूरी हो गई, मजीद और एक देते जाएंगे उसको, तो उसका इफादा पहले के बामुकाबिल क्या होते जाएगा यहाँ पर करते जाएगा। यानी जैसे जैसे हम पानी के गिलास की इकाइयों को बढ़ाते जाएंगे तो उससे हासिल होने वाला इफादा क्या होते जाएगा, जुमला इफादा और हाशिया इफादा क्या होते जाएगा यहाँ पर घटते जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जुमला इफादे को बताए 40, 70, 90, 100, 100 फिर उसके बाद में यहाँ पर 90 बताए। तो यहाँ पर देखिए जैसे पहली इकाई ली तो इस पर जुमला इफादा 40 है, तो दूसरी मजीद और एक सेब का इस्तेमाल करें, सेब को कंज्यूम करें यानी दूसरे सेब का इस्तेमाल करें, तो इस्तेमाल करने से जो जुमला इफादा है 80 होना था, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 70 है। तो यहाँ पर जुमला इफादा बढ़ रहा है मगर घटती हुई शरह से बढ़ा, जुमला इफादे में इजाफा हो रहा है मगर घटती हुई शरह से इजाफा हो रहा है। तो उसके बाद तीसरी इकाई पर देखिए ये 90 होता है, चौथी इकाई पर 100 होता है और पांचवी इकाई पर 100 हो जाता है, फिर उसके बाद छठी इकाई के बाद क्या हो रहा है यहाँ पर घटता है। तो जैसे जैसे हम शय की इकाइयों में इजाफा करते जाएंगे तो उससे हासिल पहले जुमला इफादे में क्या होगा, इजाफा होगा यानी बढ़ते जाएगा, इंक्रीज होगा, उसके बाद मैक्सिमम होगा, उसके बाद में यहाँ पर डिक्रीज होते जाएगा, तकलील पजीर होते जाएगा, घटते जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे को हाशिए इफादे को बताना है। तो हाशिए इफादे के लिए जो फॉर्मूला है देखिए यहाँ पर हम किस तरह से उसको के हाशिए इफादा किसको कहेंगे, शय के मजीद एक इकाई के इस्तेमाल से जुमला इफादे में होने वाले इजाफे को हाशिए इफादा कहेंगे। ठीक है, जैसे देखिए शय की दूसरी इकाई से जुमला इफादा 70 है, पहली इकाई से कितना है यहाँ पर 40 है, तो यहाँ पर ये जो 30 यहाँ पर जो मजीद इसका इजाफा हुआ इसको हम कहेंगे हाशियाई इफादा। तो इसको मालूम करने का जो जाब्ता है MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी, N मीन्स यहाँ पर यूनिट्स ऑफ N यानी शय की इकाइयां लिए, इक्वल टू TU N मतलब टोटल यूटिलिटी, N माइन N का मतलब क्या है, यूनिट्स ऑफ यूनिट्स ले रहे हम। ठीक है, TU N माइनस वन। ठीक है, यानी जुमला इफादे में से हम जुमला इफादे को माइनस करेंगे। ठीक है, जुमला इफादे में से जुमला इफादे को माइनस करेंगे तो उससे हासिल होने वाला क्या रहेगा यहाँ पर हाशियाई इफादा रहेगा, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मिसाल के तौर पर अब हम क्या लिए, शय की एक भी इकाई का इस्तेमाल नहीं करें, शय की इकाई यहाँ पर सिफर है। ठीक है, एक भी इकाई का इस्तेमाल नहीं करें तो जुमला इफादा भी क्या रहेगा यहाँ पर सिफर रहेगा और हाशिए इफादा भी क्या रहेगा यहाँ पर सिफर रहेगा। अब शय की पहली एक इकाई का इस्तेमाल करें यानी सेब की एक इकाई का इस्तेमाल करें तो उस पर जुमला इफादा कितना है यहाँ पर 40 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 40 माइनस जीरो करेंगे। ओके, 40 माइनस जीरो यानी 40 में से यहाँ पर सिफर को निकाल देंगे तो कितना हासिल हुआ यहाँ पर 40, ये क्या रहेगा हाशिए इफादा। उसके बाद में शय की दूसरी इकाई पर जुमला इफादा कितना है यहाँ पर 70 है तो हम इसको क्या करेंगे 70 माइनस 40 करेंगे, 70 में से 40 को निकालेंगे तो कितना हासिल हुआ 70 माइनस 40 30। ठीक है, उसके बाद तीसरी इकाई पर 90 है, 90 माइनस क्या करेंगे हम 70 करेंगे, कितना हासिल हुआ हाशिए इफादा 20। नेक्स्ट चौथी इकाई पर जुमला इफादा 100 है। ओके, तो तीसरी इकाई पर 90, 100 माइनस 90 इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू 10। ठीक है, नेक्स्ट है पांचवी इकाई पर, तो पांचवी इकाई पर जुमला इफादा 100 है, 100 है। ठीक है, तो चौथी इकाई पर उसके क्या है यहाँ पर 100 माइनस 100 इक्वल टू कितना रहेगा यहाँ पर 0, सिफर रहेगा। ओके, उसके बाद छठी इकाई से जुमला इफादा भी क्या हो रहा है यहाँ पर घट रहा है, 90 हो गया। ओके, तो 90 माइनस क्या करेंगे 100, तो यहां पर क्या रहेगा माइनस 10। ठीक है,
तो ये आपको जदवल है यहाँ पर। जैसे हम शय के कायम को बढ़ाते जाएंगे तो जुमला इफादा पहले बढ़ेगा, यानी बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज होगा, फिर आजम तरीन होकर उसके बाद में क्या करेगा, करते जाएंगे, डिक्रीज होगा। हाशिया इफादा क्या हो रहा है, शुरुआत से ही देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग से ही क्या हो रहा है, यहाँ पर कम होते जा रहा। जैसे हम शय की इकाइयों को बढ़ाते जा रहे तो हाशिया इफादा क्या होते जा रहा है, यहाँ पर घटते जा रहा है। जब यहाँ पर देखिए पांचवी इकाई पर देखे तो ये सिफर होता है, उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर मनफी होते जाता। अब हम देखते हैं जदवल की वजाहत, ठीक है, जदवल की तशरी देखते हैं। तो देखिए आप मुंतजा ज़ाइल जदवल में शय की इकाइयां, जुमला इफादा और हाशिया इफादे को बताया गया है। शय की इकाइयों के सारिफ क्या करता है, यहाँ पर शय एक्स का इस्तेमाल करता है, शय एक्स का इस्तेमाल करता है। तो शय एक्स का एक के बाद एक दिगर मुसलसिल इस्तेमाल से क्या होते जाएगा, यहाँ पर जो इफादा है पहले क्या होते जा रहा है यहाँ पर, यानी हाशिया इफादा क्या होते जा रहा है यहाँ पर, घटते जा रहा, शय की इकाइयों में इजाफा करते जा रहा है। तो हासिल होने वाला हाशिया इफादा क्या होते जा रहा है यहाँ पर, घटते जाएगा, करते जा रहा है, यहाँ तक के पांचवी इकाई पर हाशिया इफादा क्या हो जा रहा है, यहाँ पर सिफर हो जा रहा है, और उसके बाद में क्या हो जा रहा है, यहाँ पर छठी इकाई पर मनफी नौयत इख्तियार करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए जुमला इफादा, तो जुमला इफादा क्या हो रहा है, शय की इकाइयों में इजाफे से पहले जुमला इफादा बढ़ा है, आजम तरीन हो रहा है, उसके बाद में घटने लगता है। तो अब हमको इसके दरमियान रिश्ते की वजाहत करना है, बहुत ही आसान है। तीन तरह से हम जुमला इफादा और हाशिया इफादे के दरमियान रिश्ते की वजाहत करते हैं। देखिए जब जुमला इफादा बढ़ता है, ठीक है, इंक्रीज होता है, तो हाशिया इफादा घटता है, तकलील पजीर होता है। जब जुमला इफादा आजम तरीन हो जा रहा है, यहाँ पर सौ है, आजम तरीन है, तो हाशिया इफादा क्या हो रहा है, यहाँ पर मनफी सिफर हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जब जुमला इफादा घटता है तो हाशिया इफादा मनफी नौयत इख्तियार करता है। तो ये थी रिश्ते की वजाहत। अब इसको हम मुंदरजा ज़ाइल शक्ल के जरिए इसकी वजाहत करते हैं। तो मुंदरजा ज़ाइल शक्ल में देखिए हम दो महवर ले लिए हैं, एक्स और वाई महवर ले लिए हैं। एक्स महवर पर हम शय की इकाइयों को बताए हैं और वाई महवर पर जुमला इफादा और हाशिया इफादे को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो देखिये हम शय की इकाइयां कहाँ से कहाँ तक लिए, एक से लेके छह तक शय की इकाइयां ली, और जुमला इफादा देखिए कहां से यहां पर स्टार्ट हो रहा है, हमको ये दोनों में देख लेना, ठीक है, इसको देखना है और इसको देखना है। तो सीफर से ये क्या हो रहा है, यहां पर स्टार्ट हो रहा है, और कहां पर है यहां पर मैक्सिमम, यहां पर कहां पर खत्म हो रहा है, सौ पे, ठीक है। तो 20, 40, 60, 80, 90। तो अब ये देखना, पहली इकाई पर जुमला इफादा कितना है, 40, इस तरह से इसको डॉट लगा दे, ओके। उसके बाद दूसरी इकाई पर कितना है, यहां पर 70, तीसरी इकाई पर 90, ओके, चौथी इकाई पर 100, पांचवी इकाई पर 100, उसके बाद छठी इकाई पर फिर क्या हो रहा है, 90 हो जाए, तकलील हो रहा है, ठीक है। ये इस तरह से जब हम ये पॉइंट्स को, इन नुकात को जोड़ देंगे तो उनको हासिल होने वाला खत क्या होगा, जुमला इफादे का खत होगा। और हाशिया इफादा देखिए शुरुआत से ही क्या हो रहा है, यहाँ पर घटते जा रहा, तो हाशिया इफादे के खत का जो झुकाव होगा वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो आप आसानी से इस खत को खींच सकते हैं, जब जुमला इफादा आजम तरीन हो रहा है तो हाशिया इफादा सिफर है पांचवी इकाई पर, आप इस तरह से लेकर उसको बता दे सकते, और छठी इकाई पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर मनफी हो जा रहा है, ओके ना। तो अब इसको हम देखते हैं यहाँ पर, यानी शक्ल की तशरी करते हैं। तो मुंदरजा ज़ाइल शक्ल में एक्स महवर पर शय की इकाइयां और वाई महवर पर जुमला इफादा और हाशिया इफादे को बताया गया है। तो जुमला इफादे का खत टी यू देखिए ऊपर की तरफ माइल है, मगर घटी हुई शरा से, और हाशिया इफादा एमयू, यानी हाशिया इफादे को खत को एमयू से जाहिर किया गया है, और हाशिया इफादे का खत नीचे की तरफ, यानी इफादे में जैसे शय की इकाई में इजाफा करें तो उससे हासिल होने वाला हाशिया इफादा क्या हो रहा है, यहाँ पर घटते जा रहा है, ठीक है। तो जब पांचवी इकाई पर जुमला इफादा आजम तरीन हो रहा है तो हाशिया इफादा क्या हो रहा है, यहाँ पर सिफर हो रहा है। उसके बाद में क्या हो रहा है, जब जुमला इफादा घट जा रहा है तो हाशिया इफादा भी क्या हो रहा है, यहाँ पर मनफी नौयत इख्तियार करता है, ठीक है। तो ये है कानून तकलील हाशिया इफादे का, बारे में आज हम पढ़े हैं, ये टॉपिक हमारा था। तो ये बहुत ही आसान है, आप सिर्फ एक बात यहाँ पर रखिए, याद रखिए इस कानून के मुताबिक क्या है, जैसे जैसे हम
क्षय की इकाइयों में इजाफा करते जाएंगे तो उससे हासिल होने वाला इफादा या हाशे जायद इफादा या हाशे इफादा क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। ठीक है इंशाल्लाह, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। और ये जो कानून तकलील हाशिए इफादा है कॉर्डिनल इफादे पर मुनासिर है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं इफादे की पैमाइश को हर हिसाबी हिस्सों में जैसे 1, 2, 3, 4 में कर सकते हैं। ठीक है तो ये हमारा आज की जो क्लास है कानून तकलील हाशिए इफादा, ये जो टॉपिक है हमारा यहाँ पर आज मुकम्मिल होता है। शुक्रिया।